व्हाट्सएप पीपल वेलकम बैक टू द अनदर सिलसिला। गाइस सरप्राइज के साथ शुरू होने वाला है ये सिलसिला। एक्चुअली मेरे को खुद को भी पता नहीं क्या सरप्राइज है, क्योंकि प्रेम और अल्फा ने कुछ सरप्राइज देना चाहते। चलो यार देखते हैं क्या सरप्राइज है। Bring him from the yard. सो गाइस मैं तो बहुत ही एक्साइटेड हूँ सरप्राइज के लिए। ओ ओ ओ ये सरप्राइज है। देखो प्रेम मेरे को यहाँ पे रुका रखा कि तुम देख नहीं सकते। फाइनली गाइस सरप्राइज आ चुकी है। यूनिकॉर्न है सरप्राइज, मतलब ऑफिशियल सर्वर में एक यूनिकॉर्न पकड़ना मतलब बहुत ही बहुत हार्ड बात है। और ये अल्फा और प्रेम ने पकड़ा, तो रुको ज़रा दिखाएंगे कैसे पकड़ा। बट भाई मैं तो बहुत ही खुश हूँ इन लोगों ने पकड़ा। तो चलो यार एक ऑफिशियल सर्वर में यूनिकॉर्न मिल रहा, मतलब भाई बहुत आड़ इतने सारे ट्राइब के बीचों बीच। चलो यार मैं वो क्लिप ले लिया उन लोगों ने कैसे पकड़ा। सो गाइस ये अल्फा ने पकड़ा है, और मतलब अल्फा और प्रेम ने पकड़ा। तो अल्फा के पास ग्रिफिन की बोलता, तो अल्फा ने उसको पिट किया। तो फिलहाल ये अल्फा है। एंड अच्छा यूनिकॉर्न अब उनको वोल्केनो में मिला, और वोल्केनो में इजी पीजी टेम है। तुम लोगों को पता है स्मूथिंग ग्लेम और ग्रिफिन की बोले देना होता है। तो इजी पीजी अल्फा ने गाइस इसको टेम कर लिया विथ प्रेम के साथ। ये दोनों रात के 11-12 या एक बार जैसे कुछ टाइम पे पकड़ा होगा ये। तो छोड़ो यार बिल्कुल उस बात को। तो गाइस हम लोगों के पास एक हो चुका है यूनिकॉर्न, मतलब बहुत ही मस्त एंड खतरनाक एंड प्यारा वाला। सो चलो यार लेट्स गो। तो यार गाइस फिलहाल अभी तो हम लोगों को बहुत कुछ करना है, बहुत सारा मटेरियल्स भी कलेक्ट करना है, क्योंकि अपन को और भी बहुत सारा टॉयलेट बनाना है, जिसके लिए अभी भी अपन के पास इतने सारे मटेरियल्स नहीं है। और गाइस सब लोग तो यार फुल डे यूनिकॉर्न यूनिकॉर्न करने वाला है। और गाइस और एक यूनिकॉर्न मिल जाए तो भाई बहुत सारे यूनिकॉर्न कर सकते हैं। फिलहाल तो अपना ट्राइब का सब लोग खुश है कि अपने पास एक यूनिकॉर्न है, दूसरे तो छोड़ो वन यूनिकॉर्न ही बहुत है। एंड गाइस ये लोग कुछ यार शरारत करना चाहता है मेरे साथ। ये लोग बोल रहा है कि मैं यूनिकॉर्न का टट्टी खाऊं। सो लेट्स गो यार। चलो यार भाई मेरे बहुत मजाक उड़ा रहे ये दोनों। चलो यार लेट्स गो। तुम लोगों ने भी बहुत सारे लोगों ने कि मेरे को कमेंट किया था कि भाई यूनिकॉर्न टट्टी खा, तो मैं फाइनली खा लिया। देख सकते हो क्या होता है यूनिकॉर्न के टट्टा खाने के बाद, तुम लोग भी खाए होगे भाई। दुनिया हिल जाता है, ठिल जाता है, ऐसा लगता है मैं नशा ही हूँ, सस्ता नशा करके घूम रहा हूँ। सस्ता नशा ठीक है, हल्का नशा एकदम। सो भाई भाई दुनिया चलो मीडियम करके दिखाते हैं भाई क्या लग रहा है यार। दुनिया हिल गया भाई। मैं मोटू पतलू सब कुछ एक साथ हो रहा हूँ। मैं सिंसेन से लेकर डोलीमन से लेकर सब कुछ हो रहा हूँ भाई, ये तो गलत बात है। तो गाइस फाइनली और यूनिकॉर्न को तो भाई ये क्या हो रहा है भाई सब, मतलब भाई अलग ही नेचर है भाई, बहुत ही मस्ती एंड फन हुआ अभी। सो गाइस अपना एक क्वाड्रिसेप्स का बेबी को क्लेम कर लिया, एंड मतलब मैंने नहीं किया भाई। और एक जो है अपना ये रुको गाइस मैं इसका कलर चेंज करूंगा, क्योंकि इसमें मेरे को लगता है रेड और जो ब्लैक है ना उसका कॉम्बिनेशन बहुत ही धासु होने वाला है, और इसके कलर्स बहुत मस्त होने वाला है। सो लेट्स गो। एक पोटेंशियल डस्ट रेड कलर का पिला देते हैं। एंड गाइस जब ये बड़ा होगा ना तो इसका कलर कुछ अलग ही लगेगा, मतलब धासु होगा, क्योंकि ब्लैक के साथ रेड कलर बहुत ही खतरनाक लगता है, क्योंकि ऐसे मेरे पास बहुत सारा है पीवीपी मेरे सर्वर में ऑफिशियल वाला। तो आई होप ये बहुत ही मस्त एंड कूल लग रहा है। और गाइस सबसे बड़ी बात इसके अंदर बहुत सारा म्यूटेशन भी 143 मस्त एंड ओपी। सो गाइस अभी तो यहाँ पे चल रहा है आ चुका है पीवीपी टाइम्स, और किसी ने मेरे को पूछा था कि पीवीपी टाइम कितने, 2 आवर्स भाई, 2 घंटा होता है ऑफिशियल सर्वर में, मतलब हमारा सर्वर्स में भाई। ये तो भाई पागल हो चुका है। और पीवीपी टाइम पे तुम लोगों को पता है हम लोगों को बस 8 अपक पड़ता है कौन एलायंस, क्योंकि वो लोग हम लोगों के साथ पीवीपी करता है एंड मजा लेते हैं और खेलते पिलते हैं ऐसे। तो आ चुका है बहुत सारे एलायंस और जो मियाँ बीवी। तो यार गाइस वो लोग मियाँ बीवी क्यों बोला पाता है, उन लोग दो है ट्राइब में और आ चुका है और प्यार करना चाहता है हम लोग डैन के साथ। सो लेट्स गो यार हेल्प करने में दिक्कत क्या है, एलायंस है यार गल देते हैं। सो मैंने अनक्लेम कर दिया, बोलो कर लेते हैं फटाफट से, प्यार कर रहा है कर ले दो न प्यार करने के बाद ही आएगा मजा। सो गाइस वो लोग चाहता है कि क्वाड्रिसेप्स की भी प्यार हो, और इतना ट्रस्ट करता है उन लोगों का डायनो हम लोगों को, मतलब अनक्लेम करके दे रहा है, तुम देख सकते हो। यही तो भाई ट्रस्ट चीज़ होते हैं, और हम भी दे देते हैं। चलो यार गाइस मेरे को लग चुका है भूख, यानी मेरे को चाहिए बहुत सारा फूड्स। तो ये 1 मिनट में आते हैं चुटकी बजा के। सो लेट्स गो, मैं एकदम तैयार हो चुका हूँ प्यार करके देता हूँ, क्योंकि कभी भी तुम प्लेटफॉर्म सैडल के ऊपर कोई भी स्ट्रक्चर लगा दो ना तो उस डायनो अनक्लेम नहीं होता, किसी को नहीं बताता।
तो इसलिए वो लोगों का डायनो एनक्लेम होगा और अपना डायनो एनक्लेम नहीं होगा, क्योंकि हमारा डायनो के ऊपर फुल एक ट्रॉफी रूम्स है। तुम सोचो एनक्लेम कैसे होगा, और तोड़ेंगे तो भाई सब लोग आके मेरे को पोर पार, मतलब भाई कहाँ पे ढाल के मेरे को मारेगा मेरे को पता नहीं। तो लेट्स गो, फटाफट से इन लोगों को पेयर करके उन लोगों को एक दे देते हैं। और बहुत अच्छा है, ये लोग गिफ्ट भी देता है, मतलब कभी डायनो भी गिफ्ट करता है, कभी कॉलर, मतलब कुछ भी गिफ्ट कर देता है, जो जो अच्छा अच्छा होता है गिफ्ट कर देता है। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर, सो गाइस गिफ्ट के बारे में और क्या है बोलो, छोड़ो गाइस फटाफट से इन लोगों को फेयर का सिलसिला कर देते खत्म। पिछली बार हम लोगों को उन लोगों ने हम लोगों को शायद एक अर्जी दिया था, शायद मेरे को याद नहीं रहा, एक अर्जी दिया था। सो चलो इनेबल वेंडरिंग से हटा देते हैं फटाफट से। चलो यार हट चुका है इनेबल वेंडरिंग्स, अभी एक्समेक्स ले लिया। चलो मैं भी अनक्लेम करके दे देता हूँ, चीटिंग नहीं करते ना एलायंस है, एलायंस के साथ चीटिंग नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये लोग हमेशा हम लोगों को मतलब डिफेंस में आता है, हेल्प टेप करता है, क्या बोलूँ, मतलब बहुत ही खतरनाक है वो। उसके ज़्यादा बेस से ज़्यादा हम लोगों का बेस पे ज़्यादा रहता है, हम लोगों का बेस पे ही घूमता रहता है। तो यार गाइस गिफ्ट के बारे में क्या बोलो, ये लोग हम लोगों को एक क्वाड्रिजल दे रहा है। आई नो ये टट्टी वाला क्वाड्रिजल है, बट क्वाड्रिजल क्वाड्रिजल गिफ्ट गिफ्ट होता है गाइस, कोई कुछ भी दे ले लेना चाहिए। सो चलो लेट्स गो, मैंने इसको क्लेम कर लिया। और भाई इमोज तो देखना बनता ही है ना, क्योंकि भाई गिफ्ट गिफ्ट होता है, दो टाके का हो और छः टाके का हो, गिफ्ट गिफ्ट है। तो यार गाइस इसके साथ अपनका सर्वर का खतरनाक वाला चाइनीज आ चुका है, ऐसा बिल्कुल नहीं, अपना पास आ चुका है एक जापानीज ट्राइब का एक बंदा, यानी अपना एलायंस और एक। सो गाइस एलायंस का ऐसे बरसात होता रहता है अपना बेस पे, वो क्या बोलो। और इस सर्वर का जो अल्फा है ना चाइनीज ट्राइब से, वो भी अपना एलायंस है, यानी अपना एक साथ एक सच्ची बात बोलो तो आधा सर्वर अपना एलायंस है, जितने सारे अल्फा अल्फा ट्राइब है सारा अपना एलायंस है। तो ये है खास बात कि रेड होने का चांसेस जीरो है। सो लेट्स गो, कोई किसी को रेड नहीं करता है, ये बहुत मस्त है, जो सब लोग मिलके किसी को रेड करता है। हाँ गाइस कुछ दिन बाद मतलब अपना बेस कंप्लीट होने के बाद अपन जोर से रेड करने वाले खतरनाक। और इसका मुंह देखो यार, मुंह बहुत ही प्यारा लग रहा है, मतलब भाई कैसा लग रहा है इसका। A few minutes later. तो गाइस ये सिलसिला खत्म, अभी यार थोड़ा सा अपडेट देते बेस, मतलब देखो अपडेट तो होगा बट क्या क्या होगा। यहाँ पे जो देख रहे हो ना टॉयलेट, यहाँ पे एक एक पिलर होगा, और जो पिलर होगा वॉल्ट टावर, और वॉल्ट टावर के लेके तुम लोग को पता है 300 मेटल इनगोट लगता है, फिर 60 पॉलीमर, 30 सीमेंटिंग पेस्ट, और भाई बहुत ही इतना सारा रिचोर्स तो फार्म करना में भाई ऑफिशियल सर्वर में थोड़ा सा तो टाइम लगता है, इसलिए रुक रुक के बना रहा है। और अपना बिल्डिंग का काम संभाल रहा है अपना अल्फा एक्सेट ने, जो फॉल टावर बना रहा है। किसी को मतलब सीखना है तो मेरे को बोलना, मैं एक स्पेसिफिक वीडियो बना दूँ, क्योंकि अभी तो फिलहाल वो बना रहा है। और मेरे को भाई भाई क्या बोलूँ यार, बनाने में थोड़ा सा मतलब पसंद नहीं, बस बहुत टाइम लगता है, तुमको पता ही ना बिल्डिंग में कितना टाइम लगता है। अभी यहाँ पे सीलिंग डाला, सीलिंग के ऊपर एक बॉल डालेगा, बॉल डालने के बाद उस सीलिंग को तोड़ेगा, फिर जाके वो ड्रॉप होगा, तो ऐसे करके। तो चलो यार फिलहाल मेरे को एक रैक स्टेप करना है, तो फिलहाल वो टावर बना रहा है, बीस्ट एक टाइप जरा टेम कर रहा है, और अपना डेमन शायद पोली फार्म कर रहा है। और प्रेम, प्रेम के बारे में अपडेट ये है कि वो कुछ दिन के लिए नहीं आएगा, तो अपना ट्रैक थोड़ा सा सूना हो गया, और फोनिक्स उसका जॉब है तो कभी कभी आता है। सो फिलहाल अभी अपने ट्रैप में दरार पड़ चुका है थोड़ा सा, बट कोई नहीं सब संभाल लेंगे। और गाइस सबसे मेन इंपॉर्टेंट अपडेट, तो यहाँ पे एक गार्डन जैसा कुछ प्यारा सा बना लिया है, और जो बहुत ही मस्त एंड कूल लग रहे हैं ना। और मैं यहाँ पे एक ब्रोंटो को रखने वाला था, इन लोगों ने हटा दिया, भाई रेड होगा तो तुम जानो, मेरे को पता नहीं भाई। यहाँ पे टू मेल बॉक्स एंड बहुत ही ओपी एंड खतरनाक तरीके से सारा चीज़ें, ओपी बोलते कच्चे पोलते एकदम मस्त एंड बढ़िया लग रहे हैं ना। तो ये रहा अपना छोटे से टेक टेलीपोर्टर, एंड गाइस मैं आ चुका हूँ रैक्स टेम करने। रैक्स अपना वो थर्ड है 25 लेवल है, जो ऊपर से वो फीमेल है, अंडा ही अंडा, अंडा का खानदान हो जाएगा अपना बेस पे। एंड मैं कर लेता हूँ शो करेक्टर सॉन, और ग्राफिक्स तो थोड़ा सा लो करा क्योंकि नाइट हो चुका है। और किसी ने मेरे को रिक्वेस्ट किया था कि जब भी मैं नाइट में वीडियो रिकॉर्डिंग करूँ यानी शूट करूँ, शैडो स्टिक पी लेना भाई, शैडो स्टिक का पर बनाया नहीं, सॉरी ठीक है। सो कोई नहीं, नेक्स्ट टाइम से ट्राई करेंगे कि नाइट को कभी भी शूट हो तो आप शैडो स्टिक पी के शूट करें, जिससे डे के फीलिंग आए। तो भाई ये उल्स मेरे को बहुत ही जकर रहा है भाई, फाइनली अपना रैक्स ने हेल्प किया। बट रैक्स तो भाई ओपी है, और रैक्स टाइम करना भी बहुत ही ईजी एंड बहुत हार्ड है, एक मैक्स लेवल, मतलब इजी में मैक्स लेवल 30 होता है, मैक्स लेवल प्राइमेट खाता है ओनली 2, सो बोथ हार्ट एंड बोथ हार्ट। तो भाई नौ को जा कितने एरो और खाएगा, ऐसे भी मेरा हालत भी पतला हो चुका है,
बिकॉज भाई फ्रीजिंग हो रहा है, नाइट कुछ ज़्यादा ठंड है, बर्फ में क्या ही बोले, स्नो ओपी नॉक क्यों नहीं हो रहा है भाई साहब। 920 बना दिया, नॉक हो जाए 870, मर जा, सॉरी नॉक हो जा, मर जाए तो कैसे टीम करेंगे। तो गाइस फाइनल हो चुका है नॉक्स एंड फटाफट से इसको स्मूथिंग लिम्स एंड फ्रेम भी दे देते हैं क्योंकि आस पास उल्फ्स एंड रैक्स बहुत सारे है और थोड़ी सी दूरी पे एक टाइटन भी है। टाइटन हंटिंग अभी नहीं करना, टाइटन हंटिंग नहीं करना, सो लेट्स गो। ना 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 आसपास है पानी की इसलिए बोल रहा हूँ, मार के पानी में ले जा सकते हैं। तो गाइस 72 हो चुका है, 72.9% हम लोगों को टिपिंग एफिशिएंसी मिल गया 12 लेवल्स, सो 100% में बहुत ही बहुत हार्ड। एंड गाइस फाइनल हो चुका है अपना, अभी ये ख़त्म। भाई रेक्स कहाँ से आ गया भाई, अभी तो मेरा ये रेक्स को पेल पाल देता, बहुत ही खतरनाक रेक्स। एंड गाइस थोड़ा सा और रुको, फटाक से ये भी टेम हो जाएगा मस्त एंड ओपी वाला। गाइस हल्का हल्का डे में ये हो चुका है फाइनली, अभी भी टेम नहीं हुआ बट टेम हो जाएगा, टेंशन मत लो, तो उन्हें हो जा भाई। तो गाइस हो चुका है अपना 37 लेवल का रेक्स टेम एंड इसको क्रोनिकल करके फटाक से बेच ले जाता है। मैं सोचा था कहाँ कहाँ ढूंढूंगा इसलिए भाई इलेवन ले आया था, सो टेंशन मत लो, कोई दिक्कत नहीं। तो गाइस मैं आ चुका हूँ बेस पेन, इसको फिर से रिवाइव कर देते हैं। अब इसको सैडल पहना क्या उसके लिए, तो भाई यही तक। अरे ना गाइस नेक्स्ट टाइम तुम लोगों को और एक टावर के बारे में दिखा दूंगा, फिलहाल मैं उसको दिखाना भूल गया था, वो थोड़ा सा एकदम मस्त वाला टावर है। तो चलो इसको पहना देते सैडल्स एंड अभी बहुत सारा मटेरियल्स भी कलेक्ट करना है। चलो प्यारा एंड ओपी वाला अपना रैक्स, ऑर्डर ऑफ द फोनिक्स का रैक्स बोलते हैं, सो अपना ट्राइब नेम भी चेंज है। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट सीजन, तब तक लव यू ऑल, बाय।